क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल है तो कल है मुहिम के साथ एक बार फिर साइकिल मैन कहे जाने वाले गोविंद यादव ने उत्तर प्रदेश की सरजमी से साइकिल यात्रा करते हुए महाराष्ट्र की सरजमी तय की, जहां उनका स्वागत मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया। जल है तो कल है मुहिम के साथ एक बार फिर साइकिल मैन गोविंद यादव उत्तर प्रदेश की सरजमी से साइकिल चलाकर 2700 किलोमीटर दूर का दायरा पार करते हुए महाराष्ट्र के शिवनेरी में पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के आराध्य शिवाजी महाराज को जलाभिषेक कर पालघर जिले के नालासोपारा शहर में पधारे, जहां इस युवा को समाज सेवक नागेंद्र तिवारी व उनकी टीम ने पुष्पगुच्छ व शॉल पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं इस मौके पर नागेंद्र तिवारी ने गोविंद यादव को बधाई दी। मैं सर्वप्रथम तो मैं गोविंद यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण पर जो इनका मिशन है, एक युवा जो कि मुंबई बृहन मुंबई शाला में पाठशाला में पढ़ाई किया और अच्छी शिक्षा, जो जैसे इसने बताया कि मैं वहाँ से हमको प्रेरणा मिली, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने देश इस समय जल और पर्यावरण ये दोनों जो है समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। इनका जो मिशन है, इस मिशन में जो और युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, इनके साथ मिलकर कदम में कदम बढ़ाना चाहिए। हम लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और भी जो जल संरक्षण या पर्यावरण पे जो भी लोग होंगे हम लोगों को मालूम पड़ेगा, ज़रूर उनका उत्साहवर्धन करेंगे और उनके साथ हम खड़े रहेंगे। और फिर मैं एक बार गोविंद यादव जी के इस मुहिम को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं इस अवसर पर मुंबई महानगर पालिका के स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश त्रिपाठी ने प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के समानता को लेकर जानकारी दी। सर, क्या नाम है आपका? मैं दिनेश त्रिपाठी, बोरीवली मनपा माध्यमिक शाला में प्रभारी मुख्य अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को बिल्कुल हेय दृष्टि से देखा जाता है, चकाचौंध भरे जो प्राइवेट स्कूल है जो लाखों की फीसें भी ले रहे हैं जी, उधर उनके बच्चे इतने होनहार नहीं निकल पा रहे हैं जितने कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ एक बच्चा है आज इसने देश भर में अपना नाम कमा लिया है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों की मानसिकता के लिए जो सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे योग्य नहीं निकल पाते? जी, जैसा कि आप लोग मीडिया वाले हैं और सभी चीज़ों से परिचित हैं, बहुत बखूबी परिचित हैं, एक पहले कुछ ऐसी विसंगतियाँ हुई होंगी, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जैसे हमारा ये गोविंद यादव ही है, एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो संस्कार और जो संस्कृत से संबंधित बातें होती हैं उसके बारे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिया जाता है। बात आई है सिर्फ आज जो है चकाचौंध की और भौतिकवाद की, जिसके नाते लोग वहाँ जा रहे हैं। जैसे भी कोरोना काल में मैं बात करूँ तो मार्च से लेकर के हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका के माननीय शिक्षण अधिकारी के द्वारा एक भी दिन बच्चों का ऑनलाइन क्लास मिस नहीं हुआ है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन वही है कि प्राइवेट स्कूलों में फीस लगती है, हमारे मनपा के सालों में सरकारी विद्यालयों में होता क्या है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो लोग निःशुल्क की चीज़ों का कीमत कम समझते हैं, जबकि आज यहाँ पर शिक्षक और बच्चे, आपको जान के ताजुब होगा कि इस बार 90 बच्चे दसवीं की परीक्षा में महानगर पालिका के 90% से ऊपर लाए हैं मार्क्स, और गोविंद जैसा बच्चा। और ये भी जानिए कि हम नासा में भी, हमारी बच्ची कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला की लड़की, जहाँ कुलाबा मैं भी रहा हूँ, आज वो नासा में वैज्ञानिक के रूप में भी कार्यरत हुई है, सिलेक्ट हुई है। तो सरकारी स्कूलों में, मनपा स्कूलों में बहुत अच्छे अच्छे, हमारे स्कूल का बच्चा जो विशाल सिंह था और नेशनल लेवल पर जाके कुश्ती में उसको फाइट कर रहा है, तो बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, सुविधाएं भी इस समय सब सरकार ने बहुत अच्छी उपलब्ध कराई है। हमारी मानसिकता बदलने की थोड़ी सी, संरक्षकों की, बच्चों की, एक बच्चा प्राइवेट में जाता है तो एक पेरेंट सोचता है कि उसका बच्चा गया तो मैं भी भेजूं, लेकिन सरकारी स्कूलों में उत्तम कोट की शिक्षा विशेष करके हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका के विद्यालयों में इस समय प्रदान की जा रही है। वहीं साइकिल मैन कहे जाने वाले गोविंद यादव ने अपनी पूरी यात्रा को संक्षिप्त में बखान किया। गोविंद जी, सबसे पहले आप ये बताइए आपकी जो पहली साइकिल की यात्रा थी वह कहाँ से लेकर कहाँ तक रही? जी सर, जो हमारी पहली साइकिल की यात्रा थी वो भदोही से मुंबई लाल बागचा राजा तक की थी, जो कि मैं मिर्जापुर से गंगाजल ला करके वहाँ पर चढ़ाया था। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
जी सर, ये प्रेरणा, मैं यहाँ मुंबई में पढ़ाई करता था, तीरंदाज विलेज मनपा हिंदी शाला था पवई में, और एक उड़ान इंडिया फाउंडेशन थी पवई में ही, इन दोनों जगहों पर पढ़ाई करके मुझे इसके बारे में, मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने के बारे में बताया गया था, तो मैं उसी पे अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आपने साइकिलिंग ही क्षेत्र क्यों चुना, इसके अलावा कई अन्य क्षेत्र थे जिसमें कि आप बखूबी कार्य कर सकते थे? जी सर, साइकिलिंग इसलिए क्योंकि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी भी किया था और मैं 3 साल दौड़ा था, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना था। और दूसरी चीज़ की मैं एक जल और पर्यावरण बचाने के लोगों से गुहार लगा रहा हूँ, तो मैं यदि बाइक से या किसी भी चीज़ से करता हूँ वाहन से, तो प्रदूषण होगा, निश्चित ही होगा, तो मैं इसीलिए प्रदूषण मैं स्वयं ना कर पाऊँ इसीलिए मैं साइकिल चुना। इसमें आपके घर परिवार का किस तरह का सहयोग रहा, क्या उनकी भूमिका रही? जी सर, इसमें हमारे घर परिवार के सभी लोग गांव से भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ जितने भी लोग हमारे परिवार के रहते हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारा खास चीज़ यह है कि हमारे पिताजी इसके लिए जो कुछ भी खर्चे लगते हैं सब कुछ देने के लिए तैयार है, कभी मना नहीं किया। इसके अलावा क्षेत्र और समाज के वह लोग जो शायद कहीं ना कहीं से पहले आपको अवॉइड करते थे, दरकिनार करते थे, जब आपने एक मुकाम हासिल किया तब उनका नजरिया आपके प्रति कैसा था? जी सर, समाज में बहुत बहुत किस्म के लोग रहते हैं और यह धरती है, धरती पे तो लोग भगवान से भी खुश नहीं रहते, तो हमसे कैसे खुश रहेंगे। तो फिर भी हमें लोगों ने सपोर्ट किया, इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे समाज के लोग और जो पहले करते थे या नहीं करते थे आज हमारे साथ सब खड़े हैं, चाहे हमारे गाँव के हो, चाहे हमारे ज़िले के, चाहे हमारे देश के, सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जब आप साइकिलिंग के माध्यम से किसी दूसरी जगह जाते हो, नए लोगों के बीच में जाते हो, तब जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो, तब उनका आपके प्रति एकदम से जब ये पता लगता है कि आप इतनी दूर से साइकिलिंग के माध्यम से आए हो, तो उनका रवैया आपके प्रति अचानक कैसा होता है? जी सर, ऐसा अगर हम कहीं भी पहुंचते हैं, अचानक से कोई हमें पहली बार देखता है, तो अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ हम ही साइकिल से आए या हम ही साइकिल चलाते हैं, तो हमें बहुत सम्मान देते हैं और लोग बहुत सी जगहों पे हमें आश्वासन भी दिए कि आप आइंदा यदि ऐसा काम कभी फिर करिएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, और लोग हमारा जो हौसला है वो आप जाहिर करते हैं। अभी जो आपकी यात्रा शुरू हुई, कहाँ से कहाँ तक, किन किन पड़ाव से होते हुए यहाँ तक पहुँची है? सर, ये यात्रा जो है भदोही से शुरू हुई थी और हमारे आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय श्री रामबदन सिंह जी ने हरी झंडी दिखाई थी 26 जनवरी को, और वहाँ से मैं बनारस गया था। बनारस के 80 घाट से, जो कि एक प्रसिद्ध घाट है, वहाँ से गंगा जल लेकर के प्रयागराज गया था, प्रयागराज से लखनऊ, और लखनऊ के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में सपा मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया, फिर वहाँ से आगरा निकला और आगरा से मैं महाराष्ट्र शिवनेरी किले पर आकर 19 फरवरी को गंगा जल छत्रपति शिवाजी महाराज को जलाभिषेक किया। अच्छा, अभी सुना है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है, जी जी, कैसा तजुर्बा रहा उनके साथ मिलने से? जी सर, उनके साथ मिलने से मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार के और भी सदस्य हमसे मिले, और हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक मैं उत्तर भारतीय होने के नाते उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, यह मेरे लिए नहीं पूरे उत्तर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो महाराष्ट्र में अपने छवि, अच्छी छवि के नाते जाने जाते हैं, और हमें ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश को यह सम्मान मिला है। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, इसके बाद आपका अगला फैसला क्या हो, क्या आपका पड़ाव रहेगा? जी सर, इसके बाद हम आगे भी मिशन करने वाले हैं, इस पर हमारी जो टीम है, हमारे मित्र दीपक शर्मा है और हमारे खास पत्रकार चंद बालक राय उर्फ वंदे मातरम सर हैं और तमाम लोग हैं, उनसे मिल करके इसके बारे में बातचीत होगी। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हुई, गोविंद यादव ने इतना तो बताया कि वह निस्वार्थ भाव से पर्यावरण का, जल जैसे मुद्दे को लेकर के साइकिलिंग कर रहे हैं, कई राज्यों की यह यात्रा कर चुके हैं, और यकीनन हमारे देश, हमारे समाज के लोगों को इस जैसे निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।